वालेकुम हमारा आज का टॉपिक है अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आज के टॉपिक में हम लोग सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड्स शो क्यों करते हैं प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जब भी करंट फ्लो करता है या चार्जेस मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और यही कॉन्सेप्ट हमारे पास एटॉमिक लेवल पर भी अप्लाई होते हैं एटम चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से मिल बना होता है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में कांस्टेंट मोशन में होते हैं तो ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस अब ये इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन प्रोसेस करते हैं एक मोशन उनकी होती है ऑर्बिटल मोशन जो कि वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं और दूसरी मोशन होती है स्पिन मोशन दैट इज़ अराउंड देयर ओन एक्सेस कि वो अपने एक्सेस पर भी मूव कर रहे होते हैं ना सिर्फ कि वो ऑर्बिट में मूव करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन एक नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी भी एटम के अंदर जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी एटम या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करती है अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का रीज़न हम लोगों ने देख लिया इसका ओरिजिन देख लिया अब नेक्स्ट चीज़ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है दैट इज़ मैग्नेटिक डायपोल। हमारे पास कोई भी एटम जो है वो टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है ड्यू टू रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई भी आइटम जो है वो टाइनी मैगनेट के तौर पर बिहेव करे ड्यू टू तो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो उस एटम को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल बिकॉज हमारे पास कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके दो पोल्स होते हैं एक पोल हमारे पास नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा पोल हमारे पास साउथ पोल कहलाता है तो अगर इवन एटम भी एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है तो उस एटम के भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं इसी वजह से हम लोग मैग्नेट को या हमारे पास जो टाइनी मैग्नेट है या एटम है उसको हम लोग मैग्नेटिक डायपोल का नाम भी देते हैं मैग्नेटिज्म इज बेसिकली एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस तमाम तर सबस्टांसिस चूँकि ऐटम से मिलके बनी होती हैं और तमाम तर ऐटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वी से दैट मैग्नेटिज्म इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस दूसरी चीज़ जो मैग्नेटिज्म को स्टडी करते वक्त हम लोग अपने माइंड में रखते हैं वो ये है कि मैग्नेटिक डायपोज को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते अगर हमारे पास मैग्नेट का साइज रेत के दाने जितना हो या इवन एटम भी हो हमारे पास तो उसमें भी हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स प्रेजेंट होंगे और वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक बिहेवियर अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक हमारे पास कहलाती हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटांसिस सेकेंड वन इज डाया सब्सटेंसेस एंड थर्ड वन इज़ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं सबसे पहले है हमारे पास पैरा मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस ऐसे सॉलिड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें और हमारे पास कोई भी एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करे तो वो जिन जिनके अंदर इस तरह के एटम्स प्रेजेंट हो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरा मैगनीटिक उसके बाद हमारे पास आती हैं डाया मैगनेटिक सबस्टांसिस डाया वो सब्सटेंसेस होती हैं जिन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एड अप होकर में जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देती हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डाया सब्सटेंसेस और उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास वाटर कॉपर एंटीमनी मनी एट्सट्रा डाया मग्नेटिक मैग्नेट के सामने किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स शो नहीं करती दीज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एनी मैग्नेट उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी विच इज़ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटांस फेरोमैग्नेटिक सब्सटांसिस ऑपोजिट हैं डाया मैगनेटिक सबस्टांसिस की ये वो सबस्टांसिस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एडअप होती हैं और तमाम तर आइटम्स की जब मैग्नेटिक फील्ड एडअप होती हैं तो वो सब्सटेंस जो वो स्ट्रॉग मैगनेट के तौर पर बिहेव करती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फेरो मैगनीटिक सबस्टांस और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं आयरन कोबाल्ट निकल एट्सट्रा और ये तमाम तब्सटांस जो हैं वो मैगनेट के करीब जब लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होती हैं मैगनेट के साथ यानी कि दे शो रिस्पॉन्स टू तो वर्ड्स द मैग्नेट अब फेरो मैग्नेटिक को हम फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक हमारे पास है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरी है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे डोमेन्स का कॉन्सेप्ट तमाम तर सॉलिड्स के अंदर एटम्स जो है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं अराउंड हर एक ग्रुप के अंदर हर एक कलेक्शन के अंदर टेन एक्सपोनेंशियल ट्वेल्व से लेकर टेन एक्सपोनेंशियल सिक्सटीन एटम्स मौजूद होते हैं और ये तमाम तर एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी जो मगनीटिक फील्ड विच इस जो मगनीटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ एलक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे के पैराल होती है किसी भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट ऐसे रीजन्स जहाँ पर तमाम तर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से एक दूसरे के पैराल होती है उन रीजन्स को हम कहते हैं डोमेन्स तमाम तर सॉलिड्स के अंदर डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो डिसऑर्डर में मौजूद होती हैं यानी कि उनके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होती जिसकी वजह से आप लोग नॉर्मली किसी सब्सटेंस का नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर पाते लेकिन जैसे ही हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या करंट उसमें से पास करते हैं तो वो डोमेन्स जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं जिसके रिजल्ट में कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो जाती है और अगर हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई करें या मैग्नेटिक फील्ड दें तो वो जो ऑर्डरलीनेस है या वो जिस ऑर्डर में आए हैं वो ऑर्डर वापस से रिवर्स हो जाता और हो है और सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो हो है तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैगनीटाइजेशन हम लोग फेरो मैगनीटिक सबस्टेंसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक हमारे पास फेरोगनेट एक हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब सॉफ़्ट मैगनीटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं सॉफ्ट मैगनीटिक मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जो कि ईजीली मैगनीटाइज और डी हो जाए यानी कि जैसे हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड इन पर अप्लाई करेंगे तो ये फ़ौरन से मैग्नेटाइज़ हो जाएंगे और जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करेंगे ये फ़ौरन से डी मैगनीटाइज हो जाएंगे तो ऐसे सॉलिड्स को ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और ऐसे मटेरियल्स मोस्टली यूज होते हैं टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर्स और हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है सॉफ्ट आयरन देन कम्स हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेटाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है यानी कि दे आर वेरी हार्ड टू गेट मैग्नेटाइज उनको मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है और वंस वो मैग्नेटाइज हो जाएं तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव भी कर दें तो ईजीली डी मैगनेटाइज नहीं होते और उनकी जो डोमेन्स होती हैं वो अपनी अलाइनमेंट को रिटेन रखती हैं ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स और इस तरह के मटेरियल्स जो हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं स्टील एंड अल्निको वी अब किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और डोमेन्स की अरेंजमेंट ना सिर्फ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या करंट पे डिपेंड करती है बल्कि एक और फैक्टर भी है जो मैग्नेटाइजेशन को अफेक्ट करता है और वो फैक्टर है टेम्परेचर कोई भी सबस्टांस जब हम उसको अप करते हैं या उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हमारे पास जो डोमेन्स होती हैं वो अपनी ऑर्डरलीनेस लूज कर देती हैं जिसकी वजह से सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज करती है और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर तो क्यूरी टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल लूज इज़ ऑर्डरलीनेस ऑफ डोमेन्स एंड बिकम्स पैरा इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सबस्टांस अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज़ कर दे अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दे उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर की हम एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे पास है आयरन और आयरन जो है वो तकरीबन सेवन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना मैग्नेटिक बिहेवियर फेरो मैग्नेटिक से पैरा मैग्नेटिक में चेंज कर लेता है सो so, आज के लेक्चर के लिए बस यही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू